ऊपर का पोर्शन ऑब्वियसली रोटी के तरह है, बट थोड़ा सा थिक भी है और काफ़ी अंदर में फिलिंग है, वो भी दिखा रही हूँ। वाओ, चिकन, ब्रोकली, टमाटर, चीज़, प्याज, बहुत कुछ है। 1, 2, 3 एंड हियर वी गो। गड्ढा हो गया, बहुत बहुत सुकूनदार खाना है। सो गैंगटॉक पहुंच चुके हैं और गैंगटॉक पहुंच के स्नैक खाने के लिए आ चुके हैं एट लोकल कैफे। सो द लोकल कैफे इज अ वेरी फेमस स्नैक जॉइंट इन गैंगटॉक एट एमजी मार्ग। सो मैं लास्ट टाइम भी आई थी, बट बाहर बहुत क्यू था तो उतना टाइम मेरे पास नहीं था। अभी भी अगर आप देखेंगे, देखिए बाहर पूरा क्यू है। तो हम आ चुके हैं और बैठे हैं। तो यहाँ पे दो इंटरेस्टिंग डिश मैंने ऑर्डर दिया है, तो ऑर्डर आने दीजिए फिर दिखाती हूँ। तो सोल को तो काफ़ी सेटिस्फाई कर दिया, मेरा भी, आई होप आपका भी। और हाँ, ऐसा नहीं है कि बेली को सेटिस्फाई नहीं किया, काफ़ी सारा लोकल खाना खाया, काफ़ी सारा ऑर्गेनिक फूड खाया और अभी गैंगटॉक में आके, स्नैक जॉइंट में आके स्ट्रीट फूड का टेस्ट ट्राई करेंगे, वो भी टिबेटियन स्ट्रीट फूड का। तो पहले जो आइटम मेरे पास है, दैट इज़ लफिंग, नॉट LAUGHING लफिंग, इट्स LAPHING लफिंग। नया लग रहा है ना सुनने में। दिस इज़ अ फेमस टिबेटियन स्ट्रीट फूड जो कि मूंग दाल से बनाया जाता है। दिस इज़ अ ग्राम जेली टॉस्ट विथ चिली सॉस और ऊपर से अगर आप चिकन चाहते हो तो चिकन, वेज में सोयाबीन, नहीं तो अंडे से भी बनाया जाता है। दो टाइप का होता है जैसे कि मुझे अभी पता चला है, एक येलो लफिंग जिसको रोल करके बनाया जाता है एंड दिस इज़ द वाइट लफिंग। तो चलिए ट्राई करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली द ग्राम जेली, आई मीन जो दाल से बनाया जाता है। सो स्लिपरी, पूरा जेली लग रहा है, मतलब जेली खा रही हूँ, बट एकदम स्वीट नहीं है, कोई टेस्ट भी नहीं है। बट हाँ, ये जो चिली सॉस से बनाया हुआ है जिसको थोड़ा सा मिक्स करके खाना पड़ेगा, काफ़ी तीखा है। दिस अमेजिंग, देखिए ऑफ बीट लोकेशन भी दिखा दिया, अभी एक ऑफ बीट खाना भी दिखा रही हूँ, फिर भी आप लोग सब्सक्राइब नहीं करेंगे, लाइक नहीं करेंगे। दिस इज रियली वेरी नाइस, मतलब ये खाना मेरे लिए एकदम नया है, मैं कंपेयर नहीं कर सकती किसी के साथ भी, बट एकदम डिफरेंट टेस्ट है, बहुत अच्छा है। लाफिंग इज 80 रुपीज़ ओनली। नाउ दिस इज द टिबेटियन ब्रेड सैंडविच। आप बोलेंगे सैंडविच दिखाने का क्या है, ये तो कोई नया आइटम नहीं है। ऑब्वियसली नया आइटम है क्योंकि ये ब्रेड हम जो नॉर्मल ब्रेड खाते हैं वो नहीं है। देखिए पिज़्ज़ा ब्रेड की तरह लग रहा है ना, बट ये पिज़्ज़ा ब्रेड भी नहीं है। दिस इज़ अ टिबेटियन ब्रेड जो कि हैंडमेड ब्रेड है, यहाँ पे बनता है। ऊपर का पोर्शन ऑब्वियसली रोटी के तरह है, बट थोड़ा सा थिक भी है और काफ़ी अंदर में फिलिंग है, वो भी दिखा रही हूँ। वाओ, चिकन, ब्रोकली, टमाटर, चीज़, प्याज, बहुत कुछ है, देखिए पिज़्ज़ा पिज़्ज़ा लग रहा है। आई एम ड्रूलिंग, लेट्स हैव अ बाइट। Thank you.
खाना ऐसा होता है ना जो खाने से आपको बहुत सुकून मिलता है, दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग, बहुत बहुत सुकूनदार खाना है, इट्स ऑसम यार। अगर आप आते हो गैंगटॉक, थोड़ा सा क्यू में मतलब रुकना पड़ेगा, बट यू मस्ट वेट एंड यू शुड ट्राई दिस लाफिंग। और ये लाफिंग भी जैसा यूनिक है, ये भी मतलब सैंडविच पिज़्ज़ा मिला के, आई मीन इट्स ऑसम। इसके साथ फ्रेंच फ्राइज भी है, और एक सलाद भी, स्प्राउट क्यूकम्बर कैरेट सलाद। सैंडविच इज 190 रुपीज। और दिस इज अ चॉकलेट बॉल, क्यूटी पाई, इजंट इट। ये तो तोड़ के खाने का मन ही नहीं कर रहा है, इतना इतना मतलब क्यूट है। ये टिबेटियन है कि नहीं मुझे नहीं पता, बट ये देखने में मुझे बहुत अच्छा लगा तो इसीलिए मैंने ऑर्डर किया है। सो दिस इज़ एक्चुअली अ चॉकलेट बॉल विथ हॉट मिल्क, यू कैन से इट्स अ काइंड ऑफ अ बेवरेज। सो अभी हॉट मिल्क इसमें डालना पड़ेगा, जो कि बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, इतना सुंदर क्यूटी पाई है ये, वाओ। सो लेट मी पोर इट, 1, 2, 3 एंड हियर वी गो। गड्ढा हो गया, वाओ। सो अच्छा अंदर मार्शमेलो है, वाओ। वाओ। और दूध नहीं डालूंगी। काफी गर्म होगा, इट्स अ हॉट चॉकलेट। अभी ये बिल्कुल हॉट चॉकलेट बन चुका है, अगर कम दूध डालती तो शायद फज बन जाता। सो लेट मी ट्राई अ मार्शमेलो। रियली नाइस, ऐसा चिली वेदर और अंदर बैठ के हॉट चॉकलेट विथ मार्शमेलो, और उससे भी ज़्यादा इतना अच्छा एक स्नैक ट्राई करने के बाद, दो स्नैक ट्राई करने के बाद इतना अच्छा एक हॉट चॉकलेट, इट्स माइंड ब्लोइंग। Welcome to Gangtok once again, and this is the Hotel Oriental. So हम North Sikkim tour end करके Gangtok पहुंच चुके हैं, अभी बस घर जाने का भी time हो चुका है, तो आज रात हम Gangtok में रुकेंगे। और ये होटल हम पहले दिन जब Gangtok में थे उसी दिन देख के बुक करके गए थे। So this is Hotel Oriental, this is on MG Mark, so just have a room tour first. काफी अच्छा होटल है, फ्लोर पूरा वुडन है, देर इज अ कार्पेट ऑन द फ्लोर, दो काउच, फैन। अभी मतलब गैंगटॉक में भी फैन का जरूरत पड़ रहा है, सोचिए ग्लोबल वार्मिंग कहां पहुंच गया है। टीवी जिसका कोई जरूरत नहीं है, मतलब मेरे लिए कोई जरूरत नहीं है। कंफर्टेबल बेड एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग, इतना दिन पहाड़ का व्यू देखा, अभी शहर का व्यू देखिए, दिस इज एग्जैक्टली ऑन एमजी मार्क, तब काफी अच्छा व्यू है, अच्छा लग रहा है। और ये बेड के ऊपर का डेकोरेशन विच इज रियली गुड, अच्छा एक हीटर भी दिया हुआ है, हीटर है तो, हाँ एक हीटर भी दिया हुआ है।
वार्डरोब जो मुझे सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा, काफी जगह है, इतना जगह कोई घूमने आके वार्डरोब में घूम लेगा। एनीवेज काफी जगह है वार्डरोब में। एंड देयर इज अ बिग मिरर एंड दिस इज द बाथरूम। सो डिनर खत्म, डे भी खत्म और एंजॉयमेंट भी खत्म फॉर नाउ। बट बहुत जल्दी मिलेंगे आप सब से एक नया एक्साइटमेंट लेके, एक नया एंजॉयमेंट लेके और एक नया सीरीज लेके, वो भी बहुत जल्दी। तो फिर वो ट्रिप देखने के लिए साथ रहिए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो अगर अच्छा लगे तो ऑब्वियसली लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए वीडियोस को। और ये बताइएगा कि मेरा गुवाहाटी सीरीज़ कैसा लगा, ये जो नॉर्थ सिक्किम का सीरीज़ कैसा लगा, आगे आप और क्या देखना चाहते हैं, कुछ इम्प्रूवमेंट अगर मुझे करना है ये प्लीज़ बताइएगा, क्योंकि मैं बार बार यही कहती हूँ, आप सबका कमेंट, आप सबका सजेशंस मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो फिर साथ रहिए, सपोर्ट कीजिए एंड थैंक्स फॉर योर टाइम, थैंक्स फॉर वॉचिंग। Good night. Bye-bye.